हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में देखें, हम सिंपल सीधी सी पट्टी की हेल्प से सभी साइज के कान्हा के लिए बनाएंगे। ये मेजरमेंट चार्ट मैंने दिखाया है आपको, बहुत आसानी से बनाना। ये सीधी सी पट्टी है, ये चोली है, ये घेर है और ये है हमारी कैप। तो चलिए, हमें कैप बस सिलनी है और कोई चीज नहीं सिलनी है। तो चलिए कैप सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको कान्हा को पहना के दिखा देती हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 5 नंबर के कान्हा को ले लिया है। सबसे पहले हम चोली पहनाएंगे। चोली में मैंने कोई भी सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ और सिर्फ डोरी डाली है। इस तरह से करके हमने ये जो डोरी डाली हुई है, यही डोरी हम पकड़ के यहाँ पीछे बांध देंगे। पूरी आपके फुल स्लीव की ये चोली आएगी और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। मैंने मेजरमेंट चार्ट आपके साथ शेयर किया है, आप उसे फॉलो करके बनाइए, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से फिट आ गई है कान्हा को। और ये घेर है, घेर मैंने पूरी इकट्ठा कर ली है। ये देखिए, ये ऐसे फैली हुई थी, इसे मैंने ऐसे खींच के इकट्ठा कर लिया है। इसे हमें बांध देना है नॉर्मल, इस तरह से करके यहाँ पे हम बांध लेंगे। बहुत खूबसूरत लगती है ड्रेस और एकदम सिंपल और आसान है। सिंपल सीधी पट्टी की हेल्प से बनके रेडी हो जाती है, तो आसानी से बनाइए और पहनाइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से हम पहना देंगे, कुछ ऐसी सी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और ये है कैप, कैप भी मैंने स्टिच कर लिया। आप देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है, कान्हा जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। किसी भी साइज में आप इसे बना सकते हैं, तो आसानी से बनाया और पहनाए। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ये रानी कलर का ऊन लिया है, साथ में 2.5 mm में क्रोशिया हुक लिया है। ये जो ऊन है, ये बहुत पतला आता है, कढ़ाई करने के लिए आता है। मैं इसे डबल करके यूज करती हूँ। डबल करने के बाद हमारे नॉर्मल ऊन के जितना मोटा हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं आते हैं, इसलिए इसका यूज करती हूँ। सबसे पहले सीधी पट्टी बनाना देखिए कि कैसे हमें सीधी पट्टी बनानी है, क्योंकि ड्रेस में हमारी ज्यादातर सीधी पट्टियां ही हैं। ये देखिए, ये इस तरह से एक लूप बनाइए, इसमें अपने हुक को डाल के टाइट करिए, इतना टाइट कि हुक हमारी आसानी से सरकती रहे। अब चेन बनाएंगे। ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हमने यहाँ पे 30 चेन बनाई है। अब देखिए, एक चेन हमारे हुक में, इसके बाद हम एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी ही चेन में डाल के हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। दूसरी चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से 1 बार, 2 फंदे से 1 बार, हमारी एक डबल क्रोशिया बन गई। और स्टार्टिंग हमने जो 2 चेन छोड़ा था, उसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। देखिए, इस तरह से लपेटना है। लपेटने के बाद अगली चेन में डालिए, फंदे को निकालिए, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से 1 बार, 2 फंदे से 1 बार, यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गई। 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई और जो चेन है उसे भी हम डबल क्रोशिया ही मानते हैं, तो इसलिए 3 हो गई। अगले में डाला, ये हमारी 4थी डबल क्रोशिया। सभी चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। ये हमारी 5वीं डबल क्रोशिया। हम जितनी चेन बनाएंगे उतनी डबल क्रोशिया हमें मिलेगी। यहाँ 30 चेन बनाया है तो 30 डबल क्रोशिया हमें मिल जाएगी। चलिए, मैं सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर मैं आपको सेकेंड रो में दिखाऊंगी कि कैसे क्या करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी एक रो जो है वो कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड रो कैसे बनानी है, बहुत इजी है। इस तरह से टर्न करिए, टर्न करने के बाद 1 और 2, 2 चेन बनाइए। जो 2 चेन बनाई ये भी एक डबल क्रोशिया ही माना जाता है। अब हमें क्या करना है, पहली चेन से ही हम अपना डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो पहली चेन है, इसमें डालिए, फंदे को निकालिए और डबल क्रोशिया बुन दीजिए। यहाँ हमारे देखिए 2 डबल क्रोशिया हुए, क्योंकि हमने जो चेन बनाई है उसे भी हम डबल क्रोशिया ही मानते हैं। सभी चेन में हमें एक एक बार बनाते हुए चले जाना है, बस लास्ट में कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। तो चलिए, मैं सभी चेन में एक एक बार बनाते हुए यहाँ तक आती हूँ, फिर लास्ट वाला भी आपको बुन के दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं बुनते हुए लास्ट तक आ गई हूँ। यहाँ पे आपको देखिए 1, 2, 3, 3 चेन दिख रही होगी, बट यहाँ पे भी हमें एक बनाना होता है। यहाँ जो हमने स्टार्टिंग में अपनी 2 चेन को एक डबल क्रोशिया माना है, उसमें भी हमें बनाना है। ये फर्स्ट रो में ही आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगी, अगले रो से आपको एकदम अच्छे से दिखाई देने लगेगा। तो ज्यादातर लोग फर्स्ट रो में छोड़ देते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। बस आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि आपने 30 चेन बनाई है, तो 30-30 का आपका डबल क्रोशिया बनता चला जाएगा सभी रो में। तो ये एकदम सीधी सी आपकी लाइन बनेगी। ये देखिए, अब हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद फिर से यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई और फर्स्ट चेन से ही अपना डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे भी देखिए 2 हो गया हमारे पास, ये एकदम सिंपल सीधी सी पट्टी आएगी हमारी। तो चलिए, मैं यहाँ पे इसे इसी तरह से बुन लेती हूँ पूरी रो, फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। बहुत इजी है इसे बनाना।
ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 रो बुनी है। लास्ट में हम एक चेन बनाएंगे थोड़ा सा लंबा करके और कट कर देंगे। ये हमारा पट्टी जो है वो एक रेडी हो गया। आप देखिए कितना इजी था इसे बनाना, एकदम सिंपल सीधा सा आया है, कहीं से भी आपको कोई खराबी नहीं मिलेगी। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 30 चेन के अंदर हमने 1 2 3 4 5 पांच रो डबल क्रोशे की बनाई है। तो ये मैं बना रही हूँ 5 नंबर के काना के लिए। 5 नंबर के काना के लिए हमने 30 चेन के अंदर 5 रो डबल क्रोशे की बुनी है। मैं आपको सभी साइज में मेजरमेंट चार्ट दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है इधर कान्हा जी का नंबर लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ सारी मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हमने 5 नंबर के लिए देखिए 30 चेन बनाई है। सभी साइज में आप चेन देख लीजिए। तो 0 साइज में आपको 12 चेन बनानी है। 1 नंबर में 16, 2 नंबर में 18, 3 नंबर में 22, 4 नंबर में 26, 5 नंबर में 30, 6 नंबर में 36, 7 नंबर में 44, 8 नंबर में 50, 9 नंबर में 60 और 10 नंबर में 70 चेन बनाएंगे। अब कितनी रो बुननी है, सारी रो आपकी डबल क्रोशे की ही रहेगी। 0 और 1 नंबर में हम दो दो रो बनाएंगे। 2 नंबर में 3 रो, 3 और 4 नंबर में हमें 4 4 रो बुननी है। 5 और 6 नंबर में 5 5 रो, जैसे कि हमने यहाँ पे बुना है। 7 नंबर में 6 रो, 8 नंबर में 7 रो, 9 नंबर में 8 रो और 10 नंबर में हम 9 रो बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये होगी हमारी चोली। तो हमें क्या करना है, इसे इस तरह से ऐसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद हम हुक को यहाँ पे ऐसे करके डालेंगे। और ये हमारे पास सिंपल सी चेन है, ये हमने चेन बनाई है। इस चेन को यहाँ पे इस तरह से खींच के निकाल लीजिए, ये आपके डोरी बांधने के काम आएगी। बस ये आपकी चोली जो है वो रेडी हो गई। आप चाहे तो इस पे अपना फ्लावर वगैरह एक आक लगा सकते हैं। अब मैं आपको घेर के लिए दिखाती हूँ। तो घेर के लिए मैंने लंबा सा पीस बुन के रखा है, आप देखिए ये इस तरह से। यहाँ से इसकी बुनाई मैंने स्टार्ट की है। 18 चेन बनाई है, 18 चेन के अंदर हमारा 18 डबल क्रोशे आ गया है। और इसे टोटल मैंने देखें 1 2 3 4 5 इस तरह से आप गिनेंगे तो टोटल मैंने यहाँ पे ये 45 रो मैंने बुनी है। तो 18 चेन के अंदर हमें 45 रो 5 नंबर के लिए बुनी है। मैं आपको सभी साइज में बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ये चैन देख लीजिए कि आपको कितनी चेन बनानी है, किस साइज में। ये घेर की पट्टी है हमारी। तो 0 साइज में आपको 8 चेन बनानी है। 1 नंबर में 10, 2 नंबर में 12, 3 नंबर में 14, 4 नंबर में 16, 5 नंबर में 18 जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है, 6 नंबर में 20, 7 नंबर में 24, 8 नंबर में 28, 9 नंबर में 32 और 10 नंबर में हम 35 चेन बनाएंगे। और हमारी डबल क्रोशे की ही रो रहेगी। आप रो देखें अब कितनी रहेगी। तो 0 साइज में आपको 20 रो बनानी है। 1 नंबर में 25, 2 नंबर में 30, 3 नंबर में 35, 4 नंबर में 40, 5 नंबर में 45, 6 नंबर में 50, 7 नंबर में 55, 8 नंबर में 60, 9 नंबर में 65 और 10 नंबर में हम 70 रो जो है वो बुनेंगे डबल क्रोशे की। तो इस तरह से हमारी सीधी सी पट्टी रेडी हो जाएगी। अब इस पट्टी पे हमें फ्लावर बना के लगाना है, ये कुछ इस तरह का फ्लावर। तो चलिए अब मैं आपको ये फ्लावर बनाना बताती हूँ कि आप इसे कैसे बनाएंगे, फिर हम कैप वाली पट्टी अपनी देखेंगे। फ्लावर के लिए हमने यहाँ पे अपना येलो कलर का ऊन लिया है। सबसे पहले हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे, ये ऐसे। अब इसमें अपने हुक को डाल लेते हैं और खींच के टाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें देखें ये चेन बनानी है, 1 2 3 4 चार चेन बनाने के बाद पहली चेन में डालेंगे, पीछे से फंदे को निकाला और ज्वाइन कर लिया, ये इस तरह से छोटा सा सर्कल हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 हमने 5 चेन बनाई। हम देखिए हुक में इसे लपेट रहे हैं धागे को, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार लपेटने के बाद इस छोटे से सर्कल में डालेंगे, पीछे से फंदे को निकाला। अब देखिए हम 2 फंदे से 1 बार, 2 फंदे से दूसरी बार और 2 फंदे से हमने तीसरी बार निकाल लिया। 3 बार हमने लपेटा था इसलिए हमने 2 2 फंदे से इसे 3 बार निकाल लिया है। हुक में हमारे पास ऊपर 2 फंदे हो गए। अब हम इसे 2 बार लपेटेंगे, ये 1 और ये 2। फिर सेम होल में डालिए, फंदे को पीछे से निकालिए। अब देखिए 2 फंदे से 1 बार, 2 फंदे से दूसरी बार, हमने 2 बार ही लपेटा था इसलिए हमने सिर्फ 2 बार निकाला। हुक में हमारे पास 3 फंदे हो गए, सिर्फ 1 बार लपेटेंगे। इस तरह से डालिए, फंदे को निकालिए, 2 फंदे से 1 बार।
अब इस बार हम, अभी के हुक में हमारे पास चार फंदे हैं, इस बार हम बिना लपेटे डालेंगे, इस तरह से फंदे को निकाल लेना है। जब हुक में हमारे पास टोटल पांच फंदे हो गए हैं तो हम सभी फंदों को दो दो करके निकाल लेंगे। देखिए, दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार और दो फंदे से एक बार। अब हमें यहाँ चेन बनानी है, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद यहाँ हम डालेंगे इस तरह से, पीछे से ऊन को निकाला और सिंगल क्रोशिया बुन दिया। अब सभी होल में, ये देखिए ये जो बीच बीच में गैप है, सभी में हमें डाल डाल के एक एक बार सिंगल क्रोशिया बुनना है। हमने अभी एक सिंगल क्रोशिया बुना है, इसके जस्ट बगल में हम दूसरी सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाले में तीसरी सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाले में चौथी, और फिर ये अगले वाले में पांचवी। टोटल पांच सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इस अपने होल में डालेंगे, फंदे को निकाला और स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। बस ये एक डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ऐसे हमें दो डिजाइन और यहाँ पे बना लेना है, एक दो तीन चार पांच, पांच चेन से स्टार्ट हुआ, तीन बार लपेटिए, छोटे होल में डालिए, फंदे को निकाला, दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार, दो फंदे से एक बार, एक एक दो, दो बार लपेटा, होल में डाला। सेम वही चीज हमें करनी है, हुक में हमारे पास तीन फंदे हैं। तो चलिए मैं ऐसे ही कर लेती हूँ दो बार और फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ पे आउटलाइन कर लेनी है। आउटलाइन कैसे करेंगे, अपने छोटे से होल में डालेंगे, पीछे से ऊन को निकाला, निकालने के बाद हमने एक चेन बनाई। अब चेन बनाने के बाद ये साइड में हमें जितनी भी चेन दिख रही है सभी में हम डाल के सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए ये इस तरह से, जो हमने स्टार्टिंग में अपनी पांच चेन बनाई थी, ये वही चेन है, ये इस तरह से इसमें डाल के हमें बुनना है सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे पांच हमारी आ जाएगी सिंगल क्रोशिया, तीन बुन ली है हमने, दो अभी और आएगी, ये इस तरह से हमने बुन दिया। अब बुनने के बाद यहाँ होल में डालेंगे, फंदे को निकाला और इसमें भी हम एक बुन देंगे। अब देखिए यहाँ क्या करना है, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद सेम होल में डाल के हमें फिर से बुन देना है सिंगल क्रोशिया। अब इसके आगे आपको जितनी भी चेन दिख रही है सभी में आप एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाइए। बहुत इजी है, आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखें, ये इस तरह से करके हम बुनते चले आएंगे लास्ट तक। सभी में बुनने के बाद अब अपने इस होल में डालना है, पीछे से ऊन को निकाला और स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ये देखिए, फिर यही चीज हमें करनी है। चलिए मैं आउटलाइन कर लेती हूँ इन दोनों पे भी, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमारा फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमें क्या करना है, इस तरह से कई सारे फ्लावर बना के और यहाँ नीचे नीचे हम सुई धागे की हेल्प से सिल लेंगे। और सिलने के बाद हमने देखिए यहाँ पे एक लंबी सी डोरी बना के रखी है, इस लंबी सी डोरी को यहाँ पे हम ऐसे डाल देंगे। बहुत ईजी होता है डालना, इस तरह से आप हुक को ऐसे फंसाएंगे और डोरी को खींच लेंगे, फिर थोड़ा आगे फंसाइए और खींच लीजिए। अब देखिए कैप के लिए मैंने यहाँ पट्टी बना ली है। यहाँ पे मैंने 25 चेन के अंदर टोटल चार रो बुनी है डबल क्रोशे की। पांच नंबर के कान्हा के लिए हमने 25 चेन बनाई है, तो जीरो साइज में आप 10 चेन बनाएंगे, एक नंबर में 12, दो नंबर में 14, तीन नंबर में 18, चार नंबर में 22, पांच नंबर में 25, छह नंबर में 30, सात नंबर में 35, आठ नंबर में 40, नौ नंबर में 45 और 10 नंबर में 50। कितनी रो बुननी है, तो जीरो और एक नंबर में आप दो दो रो बुनेंगे, दो तीन और चार नंबर में आप तीन तीन रो बुनेंगे डबल क्रोशे की, पांच और छह नंबर में चार चार रो, सात नंबर में पांच रो, आठ नंबर में छह रो, नौ नंबर में सात रो और 10 नंबर में 8 रो, सारी हमारी डबल क्रोशे की ही रहेंगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रिल बनानी है, तो फ्रिल बना लेते हैं। फ्रिल बनाने से पहले हमें क्या करना है, चेन बनानी है। कैसे चेन बनानी है, येलो वाला ऊन लेंगे, यहाँ हम डबल क्रोशे में डालेंगे। देखिए ऊपर चेन में नहीं डाल रही हूँ, यहाँ नीचे डबल क्रोशे में डाल रही हूँ, इस तरह से ऊन को निकाला, फिर अगले वाले में डालेंगे, पीछे से ऊन को खींच के इसमें से निकालेंगे, फिर अगले वाले में डालिए, पीछे से इस तरह से खींच के निकाल, ऐसे करते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक आना है और नॉट लगा के कट करना है। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने बना लिया, यहाँ बनाने से ये अब फैलेगा नहीं बहुत ज्यादा आपका, जब आप फ्रिल बनाएंगे तो ये आपका ऐसे का ऐसा बना रहेगा। अब यहाँ चेन में हम डाल डाल के और सभी चेन में दो दो बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो इसलिए हमने दो चेन बनाई। देखिए अब हम यहाँ पे सेम जगह डालेंगे और डबल क्रोशिया बुन लेंगे। अब अगली चेन में डालना है और अगली चेन में हमें दो बार डबल क्रोशिया बुननी है। अब सभी चेन में हमें दो दो बार डबल क्रोशिया बुन लेनी है, तो चलिए बुन लेती हूँ। देखिए सेम चेन में डाल के एक और बुन दिया, यहाँ सभी चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बुन लेनी है। चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। सभी साइज में आपको इसी तरह से करना है।
अब देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी कैप जो है ये रेडी हो गई है। नीचे फ्रिल मैंने बना ली है। हमें क्या करना है, इस तरह से मोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ये वाला हिस्सा भी हम इस तरह से आपस में करके सिल देंगे, तो ये हमारी कैप जो है वो रेडी हो जाएगी। और ये देखिए, इसमें भी मैंने अपने फ्लावर जो है वो लगा दिए। ये सारे फ्लावर मैंने इस पे ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिए हैं। आप सुविधा के से सिल लीजिए, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसे ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया। देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ से हम इस तरह से ऐसे खींचेंगे तो पूरा हमारा गोल सा हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस ये बन के रेडी होगी। तो चलिए मैं कैप भी सी लेती हूँ, फिर अब कान्हा को पहना के दिखाऊंगी आपको। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारी ड्रेस यहाँ पे रेडी हो गई है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी है तो जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें समझाई हुई हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।